वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे आयुर्वेद के हेल्थी एंड ब्यूटी घरेलू देसी नुस्खे में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर जो आपके बाल पतले हो चुके हैं और बाल आपके झड़ने शुरू हो चुके हैं और आपकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें और जो हम रेमेडीज आपको बताने वाले हैं इसका आप अप्लाई करें दोस्तों, तो आपके बाल डेफिनेटली आपके ग्रो करेंगे और झड़ना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 से 6 पत्ते आपको पान के लेने, 5-6 पत्ते आपको पान के लें और 5-6 ही पत्ते आपको यहाँ पे गुड़हल के लेने हैं, जो गुड़हल का फूल होता है उसके लें, और 5-6 पत्ते यहाँ पे करी पत्ता लेना है। करी पत्ता आप जानते हो दोस्तों बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हें अच्छी तरीके से तोड़ लें। तोड़ने के बाद आपको चौथी रेमेडीज यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेना है, उसे धीमी आंच पर कोकोनट को ऑयल को चढ़ा लें और उसके बाद उसमें वो पत्ते डाल दें, जब तक वो उबालें जब तक वो पत्ते काले ना हो जाएं, और उसके बाद जो तेल बचे दोस्तों वो उसका आप अपने बालों पे अप्लाई करें। आप कुछ दिन करेंगे दोस्तों आपके जो बाल हैं वो झड़ने बंद हो जाएंगे और जो आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। जानकारी पसंद आई है तो जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।